अभी हम होटल के स्विमिंग पूल में आए हैं और हमें भी पता चला कि स्विमिंग पूल तो ओपन है ही, हमें लगा था रेन की वजह से ओपन नहीं होगा, बस रेन की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया तो वो क्लीनिंग कर रहे हैं एंड थोड़ी देर में हम बस इधर स्विमिंग करने आएंगे। और ये है इधर का होटल का लॉन्च है, वहाँ पे क्रोके या गोल्फ का सेटअप है, वहाँ पे आप खेल सकते हो, बट आज तो रेन हुई है सो हम खेल नहीं पाएंगे। और ये है हमारे पूरे होटल का व्यू। अब देखो इस होटल ताज होटल पैलेस का ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें स्विमिंग पूल के साथ व्यू बहुत अच्छा है, जैसे कि मान लो स्विमिंग कर रहे हो सब पूरा होटल देख सकते हो। और हमारा 6th फ्लोर में रूम है सो आप इधर से काउंटिंग करके देख सकते हो कौन सा फ्लोर है। और बस आपकी जो एंट्रेंस है वो इधर लिफ्ट से ही हो जाती, सीधा एम पे आप प्रेस करोगे या लॉबी से भी आ सकते हो। और ओवरऑल तो मुझे होटल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी हम थोड़ी देर में नीचे आएंगे एंड इधर हम थोड़ी देर में स्विमिंग स्टार्ट करेंगे, तो तब तक इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। लंच ऑर्डर कर चुके हैं एंड हमने बहुत सारी चीजें मंगाई हैं, जैसे कि आप प्लेट में देख सकते हो फिश एंड चिप्स एंड काठी रोल। सो अभी मैं आपको इनका टेस्ट टेस्ट करके बताता हूँ कि क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या फूड का टेस्ट अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले हम अपना काठी रोल को ट्राई करते हैं। डिवाइन टेस्ट, आप इसे देख सकते हो। मैंने जैसे एक चंक लिया, यहाँ पे एक चिकन का पीस टूटा हुआ है, अंदर से दिख रहा है कितना अच्छे से मैरिनेट हो रखा है। एंड ओवरऑल जो सॉसेस का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, कोई भी चीज़ ओवर पावर नहीं कर रही। जैसे इसमें एक हल्का सा लाइट मिंट एंड टिक्का का फ्लेवर है, पर इसमें से कुछ भी ओवर पावर नहीं कर रहा। और साथ में जो साइड में एग है वो इसे और टेस्टी बनाता है। अब मैं बिना किसी फर्दर हेडों के एक और बाइट लेना चाहूँगा। सो रोल तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है और ये रोल खा के मुझे अपना अलवर व्लॉग याद आ गया। अगर आपने अलवर का व्लॉग नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। तो अभी हम अपने फिश एंड चिप्स को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करते हैं। फ्रेंच फ्राइज एकदम परफेक्टली कुक्ड है, ना ही ज़्यादा ओवर लॉन्ग है कुक है, ना ही अंडर कुक है। अब हम अपने फिश को ट्राई करते हैं। फिश जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी टेंडर लग रही है। अब हम इसकी छोटा सा पीस ट्राई करते हैं। टेस्ट अमेजिंग है, नो वर्ड्स फॉर दिस। और ओवरऑल तो हमारा लंच बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब हम थोड़ी देर में नीचे स्विमिंग पूल में जाने वाले हैं, फिर इस व्लॉग एंड तक जरूर देखना। अभी हम स्विमिंग पूल से वापस अपने रूम में आ चुके हैं एंड मैंने आपको दिखाया था स्विमिंग पूल में, मैं बस एक छोटी सी क्लिप बोल पाया क्योंकि प्राइवेसी के रीजन से हम उधर अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो स्विमिंग पूल में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट स्विमिंग पूल जानना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर था सब कुछ परफेक्ट था। आई डोंट नो कि ये टेम्परेचर वाला पूल है या नहीं, बट ऑल द वे शायद सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर था एंड ओवरऑल स्विमिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उधर सिर्फ स्विमिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आते हैं हमारे जकूजी की फैसिलिटीज़ हैं, देन स्टीम रूम की फैसिलिटीज़ हैं, देन एक्सपीरियंस शावर की फैसिलिटीज़ हैं और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो इस होटल को एक बार देखना तो ज़रूर बनता है। और आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। अब बस हम अपने रूम में आ चुके हैं, अभी हम डिनर खाएंगे, इवनिंग स्नैक्स खाएंगे एंड देन उसके बाद हम मिलेंगे कल सुबह। और हाँ, कल सुबह हम बफे ब्रेकफास्ट भी खाने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसकी वजह से इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। तो अभी हम इन रूम डाइनिंग से अपना खाना प्लेस कर चुके हैं और ये रहा आज का हमारा फूड। सबसे पहले ये है हमारा स्पेगेटी, जो पास्ता का एक टाइप होता है, उसमें बेकन एंड चीज के साथ पार्मेसान चीज। एंड ये है हमारा चिकन बर्गर विद पोटैटो वेजेस और ये रही हमारे फिश एंड चिप्स। अब आप सबको तो याद होगा, अगर आपने व्लॉग देखा है, हमने लंच में फिश एंड चिप्स ऑर्डर की थी और हमें फिश एंड चिप्स इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि हमने इसे दोबारा ऑर्डर कर लिया डिनर के लिए भी। सो अभी हम इन तीनों को खाने वाले विद सम ड्रिंक्स, सो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं और मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। और साथ में इन रूम डाइनिंग वाले लोगों ने ये सब कटलरी दी है, प्लेट्स दी हैं एंड इधर हमारे कुछ नैपकिन हैं एंड टबास्को सॉस में से बहुत ज्यादा मिर्चीदार होती है
आज मैं स्पेगेटी के साथ इसे भी ट्राई करने वाला हूँ। ये हमारी चीज, आई थिंक ये मोज़रेला है, पार्मेसन है। ये हमारे फिश एंड चिप्स के साथ मेयोनीज है। अब मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद मेन कोर्स पे, क्या पता भूख लगी तो मेन कोर्स भी खा लेंगे। सो अभी हम इन सब कुछ को जल्दी से खत्म करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम सुबह उठ चुके हैं एंड मैं फ्रेश हो चुका हूँ एंड अभी हम जाते हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए। एंड मैं आपको ताज का पूरा ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा कि कैसे सेटअप करके रखते हो, क्या क्या है। अभी मॉर्निंग के 8 AM हो रहे हैं, सो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, सो मैं जल्दी से वीडियो बना लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करूँगा एंड देन उसके बाद हम स्विमिंग पूल एंड टब वब करके हम उसके बाद चेकआउट कर देंगे। सो अभी हम कैपिटल किचन में आ चुके हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है, जो आई थिंक ये दोनों तो खा लिए हैं। ओके, ये चटनी है, दिस इज वड़ा। यहाँ पे हमारे पास कामचा पूरी उपमा एंड यहाँ पे लड्डू भोंडा। ये है दाल चौरसिया एंड इधर हम देखेंगे तो पिंडी छोले, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड इधर है हमारे पास मसाला सुगंधी खिचड़ी। यहाँ पर हमारे पास नट्स एंड सीड्स हैं, दीज आर सनफ्लावर सीड्स। ये है रेजन्स, ये है वॉलनट्स एंड यहाँ पर हमारे पास मिल्क है आलमंड वाला। ये है हमारी ग्रीक योगर्ट एंड ये फ्लेक्स वाला सेक्शन है जहाँ पे चौकोश कॉर्नफ्लेक्स देन ग्रेनोला एंड नॉर्मल प्लेन कॉर्नफ्लेक्स। अगर इस साइड हम देखेंगे तो पॉरेज एंड बेक बीन्स। पॉरेज के साथ आपके ब्राउन शुगर है और साथ में छोटे छोटे ब्लूबेरीज एंड ब्लैक बेरीज। एंड इधर है बेक रेजन्स, ये एक तरह से राजमा ही होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है रोस्टेड टमाटोज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ये है सॉटेड मशरूम्स, दीज आर सॉर्टेड पोटैटोज अचल के हाथ से, दीज आर बॉइल्ड लेग्स एंड द सॉसेजेस। यहाँ पे आई थिंक बेकन होने वाला था पर बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया। ये है लाइफ काउंटर्स, दिस इज एग ऑन रिक्वेस्ट, यहाँ पे शेफ बनाएंगे एग्स जो लाइव किचन में चलेगा। वहाँ पे वो आई थिंक डो को रेडी कर रहे हैं, ओके वो चीज़ को रेडी कर रहे हैं। आई थिंक चीज़ ऑमलेट बहुत सारे लोग पसंद करते हैं ना। यहाँ पे साउथ इंडियन काउंटर है जहाँ पे इडली और सांभर है, दिस इज सांभर, दिस इज इडली। इन शेफ अभी डोसा को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ब्रेड्स हैं एंड ये भी एक लाइव काउंटर है। टुडे शेफ स्पेशल है गोभी पराठा एंड पिंडी छोले, आई थिंक ये पिंडी छोले हैं। एंड जूस में हमारे पास ऑप्शन है स्वीट लाइम एंड वाटर मेलन। सो आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए तो इतना ही। तो अभी मैं आपको पूरा ब्रेकफास्ट दिखा चुका हूँ, मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड देन हम मिलते हैं आगे के व्लॉग में। 2000 years later. तो बारी आती आज के व्लॉग को एंड करने की, आज के व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अभी बस हम थोड़ी देर में चेकअप करने वाले हैं एंड देन हम वापस घर में जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।
और अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप सजेशन कोई ना कोई मुझे दोगे। सो विल मीट द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, पीस।